मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। सो हम इस वक्त मौजूद हैं अपने किचन में, लेकिन किचन में खाना नहीं बनाने लगे हम, आपको कुछ फूलों की अरेंजमेंट, ये जैसे पेटल्स की बनाई हुई है, ये नहीं, यहीं पर रहने दीजिए, हमारा कैमरा इसको हमारे देखने वालों को दिखाएगा कि हम आपको बनाना बताएंगे। और आज रबिया जो है कुछ डिफरेंट टाइप की डो बना रही हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लेडो? प्लेडो, बच्चे इससे खेल सकते हैं और चीज़ें बना सकते हैं क्या क्या। और ये थोड़ा पेपर मैशे से भी रिलेटेड है, यानी इसमें जो जो चीज़ें हैं इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, प्लेडो में क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं रबिया? हाँ, हम इसके अंदर डालेंगे स्टार्च पाउडर, कल्फ पाउडर जो हमने कहा था, ठीक है, और एक कप जो हमने ले लिया मैदा, ले लिया फ्लोर, ले लिया, ठीक है, और एक कप जो है क्रमलिंग करके हमने ये टिश्यू पेपर पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ है। ये साफ होने जरूरी है, ये जितने गंदे मंदे वो भी डाल दें? नहीं, हम लोग वो कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड क्योंकि रात को भिगोना पड़ेगा और फिर सुबह उसको मैश कर लें, ठीक। और इसके अलावा जो लकड़ी का बुरादा होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी तरह भिगो के इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। तो अब बनेगी कैसे ये? अब ये ऐसा करेंगे कि हम लोगों ने ये एक कप जो है ये जो कल्फ पाउडर डाल दिया, इसके अंदर एक कप हमने मैदा भी डाल दिया, सही, ठीक है, और इसके अंदर हम इसको पानी, हमने सीधे बात तो हमने ग्लू, वाइट जर्मन ग्लू इस्तेमाल की थी, हम ये आधा कप इसके अंदर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें कोई ग्लू नहीं डलेगी? इसमें कोई ग्लू नहीं डलेगी, ठीक है, ठीक है। इसको रखना इस चूल्हे पे? नहीं, पहले हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, फिर हम इसे गर्म करेंगे? जी, फिर इसको हम गर्म कर लेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, मैं डाल देती हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें हम ये पानी थोड़ा और डालें? बस, चलिए, थैंक यू। और इसके अंदर हम ना 3 टेबलस्पून भर के हमने नमक डालना है। नमक एंटीबैक्टीरियल भी होता है, और इसके अलावा ये जो है ना, इसको डो को कोई इंसेक्ट्स वगैरह नहीं खा सकते फिर, ठीक है, आप बच्चे इसके साथ काम करें, ठीक है। तो हमारा ये एक बन गया। ये ज़रूरी है कि हम पैन में ये बनाए, पहले किसी चीज़ में बना के पैन में मुंतकिल कर लें? बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। जो आपको पता है, जो कापियाँ जोड़ने के लिए नहीं बनाते थे पहले, गम सी बनाते थे, हाँ, ठीक है, तो उसी को यूज़ करना है। बिल्कुल ठीक है। सो इसको अब हम गर्म करना शुरू कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा हमें कि तैयार हो गया? टिश्यू कब डालेंगे इसमें? ये बस अभी मैं डालती हूँ इसके अंदर, थोड़ी सी गर्म हो जाए, ठीक है। तो इसको इतना रिग्रेसली जितना आप चम्मच चला रही हैं इतना चलाना ज़रूरी है? ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी ना, इसके अंदर कोई वो नहीं बनेंगे ना, इसका भी बॉल सा बन जाएगा, एक क्रियोटी का। फिर मैंने ये क्रम्बलिंग करके ये टिश्यू पेपर रखे हुए, इनको मैं इसमें डालूंगी, तो ये बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे। तो जैसे अब हम दो लोग कर रहे हैं, तो अगर एक हाथ से आप ही कर रही हो तो फिर इसको उतार के मिक्स करें उसके अंदर? नहीं, इसमें साथ ही मिक्स कर देंगे, साथ ही बाउल एक राउंड सा बन जाएगा, इसका डो बन जाएगी अच्छी सी, ठीक है? तो ये जो आप इसमें टिश्यू डाल, अच्छा इसके अंदर, अच्छा ये इसके अंदर हम लोग लकड़ी का जो बुरादा होता है वो भी डाल सकते हैं ज्यादा सा, या टिश्यू डालें या लकड़ी का बुरादा गीला करके डाल लें, और एक और चीज के वो एक और चीज डाल सकते हैं, वो है कार्डबोर्ड भीगा हुआ या पेपर, न्यूज़पेपर भी, न्यूज़पेपर का एक्चुअली कलर आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, पैसे नहीं डालते, बस, ठीक है, बस ये बॉल सा बन गया, ठीक है। ओवर टू यू। सो अब इसको हमने निकाल, थोड़ा जोर लगता है, इतना इजी नहीं है, ये रबिया ही कर सकती हैं जी, कि उसको जो ये इतना उससे कर रही है उसकी वजह ये कि उसमें जोर लग रहा होता है। तो अभी हमारा बॉल बन गया, अब क्या करेंगे? अब हम इसको निकाल के और अच्छा से स्मूथ कर लेंगे इसको, बस दैट्स इट। और फिर उसके अंदर कलर ऐड करेंगे, वाइट कलर ऐड करेंगे उसी तरह, और फिर बच्चे डो के साथ जो मर्जी करें काम करें, ठीक है, जैसे मर्जी पत्ते बनाएं, जो मर्जी करें। और इसमें जो ठंडा, कुछ इसको ठंडा रखने की ज़रूरत है कुछ देर के लिए? इसको ठंडा रखते हैं, हाँ, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाए, इसके बाद से काम करते। तो इसको नहीं लपेटते वो? इसको भी लपेटते हैं इंशाल्लाह, अभी करते हैं, ठीक है। सो जी, ये हमने इसको काट लिया, और ये जो हमारा एक बना था पेपर माशी और सारा कुछ मिला के, इसको हमने इसमें डाल लिया। और अभी अब हमें इसे बता दें कि प्रोसेस क्या करना है, ताकि फिर हम इसको लपेट के रख देना है। इसको लपेट के हम गूंद देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको ऊपर से उसके वो देना, वो दूसरा वाला शॉपिंग बैग, फिर गूंदा जाएगा। ये देखें, ठीक है, इसको अच्छा सा गूंद के और दोबारा इसको थोड़ा सा स्टार्च लगाएं, और उसके बाद उसको एयर टाइट बैग में बंद करके रख दें, ठीक है, ठीक है। फिर आप इसको यूज़ करें, इसे अच्छी तरह मैश करके, स्टार्च लगा के फिर मैश करें, और फिर एक ज़्यादा मतलब एक मिक्सचर सा बन जाएगा। इसको आप किस में डाल के, एयर टाइट जार में डाल के रख दें, एयर टाइट बैग में डाल कर? बच्चों को कलर्स अच्छे लगते हैं, तो इसमें भी पोस्टर कलर डालेंगे? पोस्टर कलर, डेफिनेटली पोस्टर कलर डालेंगे। ठीक है, ये बन गई भी है,
ये देखें, ठीक है ये इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर टिश्यू का तो फील ही नहीं हो रहा? टिश्यू बिल्कुल फील नहीं होगा, जब हम इसको अच्छी तरह स्मूथ सा गूंदेंगे ना तो बिल्कुल नजर पता ही नहीं चलेगा कि आप टिश्यू पेपर के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, पर जितना भी इससे ये वाले लीव्स बनते हैं और इस तरह से फूल नहीं ज़्यादा पत्ते बनाए हुए आप। मैंने इस बार अन्य स्टेंसिल्स लेकर आई हूँ, ये वाला ये देखें, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था उस पर कैसे पत्ते बनेंगे। ठीक, या इस डो से बना लें, या फिर अगर आपको लगे कि आप हमारी पिछली वाली जो डो है इटालियन डो, इटालियन डो का जी, हाँ उससे बनाना चाहते हैं तो भी बना लें, लेकिन उससे ज्वेलरी या ऐसे फ्लावर्स जो ज़्यादा वो हैं वो ज़्यादा शौक से बनाती हैं। रबिया, ये सिलेक्शन कैसे हो कि ये वाली डो होनी चाहिए या वो वाली डो होनी चाहिए? ये ज़रा थोड़ा फाइन डो होती है, इटालियन डो जो होती है जिसे काम करते हैं, और ये थोड़ा सा रफ़ भी नहीं होती, लेकिन बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। बच्चे अपनी बहुत सारी चीज़ें फ्रूट्स बनाएं, वेजिटेबल्स बनाएं, ठीक है वो इससे बना सकते हैं। इससे तो देखिए, ये आपके सामने अभी इमीडिएटली उन्होंने एक लीफ जो है वो तैयार किया, और इसी तरह से एक लीफ के साथ दूसरा जोड़ते हुए हम इसकी अरेंजमेंट जो है वो करते हैं। लेकिन ये जो आपने शेडिंग की है ये कैसे की है? ये डो के अंदर ही डो मिक्स की है। अच्छा, डो के अंदर दो दो कलर की, इस तरह ये देखें, ये हम मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ठीक ठीक है, देखें डो के अंदर कलर मिक्स कर लें, दो कलर मिक्स कर लें, तीन कलर डाल लें, ये खजान के कलर्स मैंने डाले हुए इसमें, ठीक है देखें। सो दो कलर की हमने डोज मिक्स की और उसको अब हम इसके ऊपर जब लगाएंगे तो ये जो शेडिंग वाले पत्ते हैं हमारे खजां वाले आ जाएंगे, और अगर आपको वन कलर चाहिए तो फिर आप एक ही रंग की डो जो है वो लगाएंगे तो फिर आपके पास वो आ जाएगी। तो इसको हम पहला मुझे दे, आप वो शेडिंग करें, मैं इसको करके देखती हूँ मुझसे भी होता है कि नहीं होता। इसको यकीनन सबने कोशिश की होगी गोल्डन कलर बनाने की। ये है वार्निश और साथ मैंने डस्ट पाउडर लगाया है, ठीक है, और ये देखें ये उतरेगा नहीं, ये नहीं उतरेगा, ये फिक्स हो जाता है, ये फर्नीचर पे भी हो जाता है आराम से। ठीक है, ठीक है, अच्छा जी। सो ये देखिए, अब जो हमारा पत्ता बना है आप चाहें तो पूरा गोल्डन कलर की शेडिंग वाला बना है। बिल्कुल, जो मैं इनसे पूछ रही थी कि ये कलर बीच में कैसे आए हैं शेडिंग के, तो दो कलर आप चाहें तो पूरा गोल्डन कर लें, आप चाहें तो कुछ लाइंस गोल्डन कर लें अकॉर्डिंग टू अपने फर्नीचर के टेस्ट, आपका जिस तरह के कर्टन हैं या फर्नीचर है घर का, ठीक है उसके मुताबिक ना। डन रबिया, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर के लिए इसको, ये जो हमने इसको जो है डिफरेंट ऐसे शेडिंग दी है, आप अपनी मर्ज़ी के शेड एंड कलर्स जो है मिक्स करके इस डो को बना के तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने कुछ पैटर्न है, अगर आप ये बनाना चाहें या कुछ और डिज़ाइन करना चाहें अप टू यू। थैंक यू वेरी मच रबिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। हम लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे स्कॉलर्स हमें ज्वाइन करेंगे, हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है, सो तब्दीली कैसे आती है, और उसके साथ साथ कुछ बातें हमारे सोशल सिस्टम के बारे में, घरेलू निज़ाम के बारे में। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। शरा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए